हेलो व्यूअर्स, आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस दफ़ा हम मैं लाया हूँ डेक्स्ट्रो का पावर वॉशर। तो ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है, इसके बाद मैं फिर आपको और भी गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। ये इस वीडियो का जो है पार्ट वन है, इसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये पैकेज मैंने autogen.com से मंगवाया है और पैकेज आया हुआ है। थोड़ा सा मुझे साइड से प्रेस हुआ हुआ लगता है। इसके सामने भी मैं आपको पैकेट को खोल के दिखा के आपको पूरा पैकेज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। autogen को मैंने ऑर्डर दिया था, तकरीबन जो है 5 डेज़ में ये डिलीवर हुआ है autogen कराची से। तो अभी आपके सामने मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा, आपको एक एक चीज़ का डिटेल व्यू बताएंगे कि कैसा है, फिर प्रॉपर आके फिर वॉशिंग और फिर रिकमेंडेशन और फिर जो मेरी तरफ से जो मेरा व्यू होगा, एक्सपीरियंस जो होगा इसके साथ, वो मैं फिर आपको कंप्लीट शेयर करूँगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैंने सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस हो जाए कैसे डिलीवर होता है, क्या डिलीवर होता है, किस पोजीशन में होता है। तो लेपर्ड वाले जो हैं इन्होंने डिलीवर किया ही है पैकेज। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम इसको खोल रहे हैं और इसमें ऐसा है कि इसमें जो था पैकेज में शैम्पू जो था वो गिफ्ट के तौर पर उन्होंने भिजवाया था, लेकिन वो शैम्पू मेरे हाथ से जो है वो अंदर लीक हो गया, जिसकी वजह से जो पैकेज है वो ख़राब हो गया। देख रहे हैं आप, कॉटन जो है वो थोड़ा डैमेज हो गया, सारा शैम्पू भी निकला हुआ है इसमें से। तो मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा वैसे आस्ते। ये इसका मैनुअल है, इसको भी कम्प्लीट रीड आउट करेंगे बाद में, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपको मैं अंदर दिखाऊँगा एक एक चीज़ इसकी। अब इसमें जो है इसकी ये शैम्पू बॉटल है, सिंपल शैम्पू बॉटल है, ये फोमिंग लेंस नहीं है, ये शैम्पू बॉटल है सिंपल। और वही जो उन्होंने कहा था एज़ इट इज़ वैसे ही है जैसे कि उन्होंने कहा था भिजवाते वक्त। इसके बाद जो है हम आपको दिखाएंगे ये इसकी जो है, और ये इसका फ़िल्टर है। ये एक्चुअली इंडक्शन मोटर है, तो इसको हम डायरेक्ट बाल्टी में ही लगा सकते हैं। और ये उसका जो है गन का जो है वाटर होज के साथ कनेक्ट होगा। इसका एक पॉइंट जो है वो मशीन के साथ होगा और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो होगा क्या कहते हैं उसके साथ वाटर गन, प्रेशर गन के साथ। तो आप देख रहे हैं, ये हम इसको ओपन कर रहे हैं आस्ता आस्ता। जी व्यूअर्स, तो थोड़ा शैम्पू जो है वो जो लीक हुआ था उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो सारा जो है अंदर लीक हुआ हुआ है। ये अच्छी बात है कि जो मेन आपका जो वाटर मशीन जो है वो तकरीबन ये जो है ये प्लास्टिक में कवर है, तो इसके अंदर तक तो मेरे ख्याल से नहीं जाया गया होगा। देखें नीचे सारा, देखें वो आपको नज़र आ रहा होगा बॉक्स में वो लीक हो गया था। autogen वालों को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आइंदा जब भी किसी को पैकेज भेजें तो एक प्लास्टिक के लिफाफे या कवर में जो शैम्पू जो एज़ अ गिफ्ट भिजवा रहे हैं उसको भी फोल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि ड्यूरिंग पे ट्रांसफ़र ऑफ पैकेज जो है ये तकरीबन लीक तो ना हो। ओके, अभी इसको अभी मैं ओपन करता हूँ, आपको फिर दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो देखें ये पैकेज ओपन हो गया। ये मेन मशीन है डेक्स्ट्रो कंपनी की है और अच्छा खासा वेट है इसका, और देखने में बिल्ड तो इसकी बहुत अच्छी है, वेल बिल्ड है। गन की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, साइड पे जो वाटर गन है इसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। और देखें ये थोड़ा सा शैम्पू जो है वो जो लीक हुआ है वो यहाँ तक थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। बाकी इसकी जो है आप वाटर होजेस देख रहे हैं, पीछे एक है एक आगे है। पीछे जो है वो इनपुट वाली, आगे वाली जो है वो आउटपुट वाली है। ये इसकी वाटर गन है, देखें ये कैसे अटैच हुए। इसको पहले नीचे से आप जो है अनलॉक करेंगे,
जैसे ही नीचे से अनलॉक करेंगे, प्रेस करेंगे और ऊपर वाले जो उसको प्रेस करेंगे लीवर को, तो ये खुद ब खुद डिटैच हो जाएगी। वो आप ये देख सकते हैं इसमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन है नीचे, ये देखें लॉक अनलॉक का ऑप्शन है, इसको आप लॉक और अनलॉक करके एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये इसकी फ्रंट नोज़ल है। तो अभी तो मैं खाली इसकी प्रोडक्ट और इसकी क्वालिटी का रिव्यू आपको दे रहा हूँ कि ये कैसा है। देखने में तो वेल बिल्ड अच्छी बनी हुई है और सॉफ्ट भी, वो क्या कहते हैं, स्मूथ है, प्लास्टिक की ही बनी हुई है टोटली। तो ये इसके गन है, इस पर टोटल इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बार पर सेकंड वगैरह लिखे हैं कितने वाटर ये थ्रो करता है। अब पैकेज में हम और चीज़ें देखते हैं और इसमें क्या क्या हमें मिलता है। ये इसकी जो है पाइप है जो इसकी वाटर गन और वाटर मशीन के बीच में लगेगा। अभी हमने इसकी गन को दोबारा पीछे जो है वो लगा दिया, अच्छा है, प्रॉपर तरीके से पीछे लग जाती है। और इसका एक ऑन एंड ऑफ स्विच है फ्रंट साइड पर, और उठाने के लिए जो हैंडल है वो भी बहुत अच्छा है, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। एक चीज़ मुझे जो इसकी नज़र आई, इसकी जो वाटर होज जो है जो कि मशीन और वाटर गन के बीच में लगती है, वो मुझे ज़रा साइज़ में छोटी लग रही है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मशीन के साथ जो इलेक्ट्रिक केबल है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी केबल है। अब आप देख रहे हैं ये तीन नोज़ल हमें दिए गए हैं, इसमें एक जो है वो फिल्टर है। और अभी मैं आपको खोल के इसको दिखाऊंगा। ये जो है इसमें एक फ़िल्टर है, एक जो है वो भी छोटा सा फ़िल्टर है जो मशीन के साथ अटैच होगा। और ये जो होगा ये आपके वाटर पाइप को जो हम लगाएंगे इसके साथ उसको टाइट करने के लिए और उसको जो है अटैच करने के लिए मशीन के साथ, कि मशीन के फ़िल्टर के साथ। तो ये देखें ये वो ये हम अटैच करेंगे, ये फ़िल्टर हो गया जो कि आपकी बाल्टी में आप रख सकेंगे क्योंकि ये इंडक्शन मोटर है, ये सक कर सकती है, तो इसको हम बाल्टी में आगे लगाएंगे पाइप के आगे। और ये जो है ये वाला ये पीछे लग जाता है मशीन के, ये भी एक फ़िल्टर है कि मशीन में कोई भी जो है डर्ट पार्टिकल या ऐसा कोई एलर्जीज जो उसमें होती हैं वाटर में जो होती हैं वो उसमें जा ना सकें। इसका साइज़ मैंने वो कर लिया, अब मैं जाके मार्केट से जाके इसके एग्जैक्ट इसी के मुताबिक वो ले आऊँगा, पाइप ले आऊँगा इसके, तो इसको अटैच करके फिर आपको इंशाल्लाह जब इसके रिव्यू करेंगे, इसको चेक करेंगे पानी के साथ, तो फिर मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये देख लें इस पैकेज में क्या क्या इन्वॉल्व था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं, वो सब चीज़ें आप देख लें। ये शैम्पू बॉटल है, ये तो एज़ अ गिफ्ट मिला, थैंक यू टू ऑटोजन, उन्होंने हमें भिजवाया, लेकिन थोड़ा पैकिंग का ख्याल रखना चाहिए था, इसको अगर सेपरेट प्लास्टिक बैग में पैक कर लेते तो बहुत अच्छा होता था। आल तो कि ये सील बंद है लेकिन फिर भी लीक हो गया, जगह दूर है, आते वक्त टाइम लगता है, रास्ते में पैकेज जो है इधर उधर, तो मशीन को भी मैंने ऑन नहीं किया है। इसके बाद आप मशीन को पूरी तरह देख लें, लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, थैंक यू।